बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर वन में दिया गया है दर्ज झेल सटों को बयानिया तरीके में लिखिए। तो आइए सबसे पहले जो है वो बयानिया तरीका सीख लेते हैं जी। सेट को लिखने के तरीके, बयानिया तरीका। क्वेश्चन नंबर वन के अकॉर्डिंग आज हम सिर्फ बयानिया तरीका पढ़ेंगे, क्योंकि इसके दो तरीके हैं, लेकिन सवाल नंबर वन में सिर्फ बयानिया तरीका पूछा गया है, तो आज हम सिर्फ उसी को सीखेंगे। बयानिया तरीके में सेट को लिखते हुए हम इसकी खासियत के मुताबिक ऐसे अल्फाज में बयान करते हैं जैसा कि दर्ज झेल मिसालों में दिया गया है। सेट ए है लाइब्रेरी में मौजूद इंग्लिश कुतब का सेट। सेट बी है तमाम कुदरती अदात का सेट। सेट सी है चिड़ियाघर के तमाम जानवरों का सेट। तो बयान कर दिया गया है, एक सवाल की सूरत में दे दिया गया है कि कुदरती अदात का सेट, तो आप सेट बना के उसमें उसके एलिमेंट लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और डॉट्स लगा के सेट को बंद कर दिया जाता, ब्रैकेट की शेप में जो है वो बंद कर दिया जाता है, ताकि जो है वो कुदरती अदात तो कभी भी ख़त्म नहीं होते ना, अनलिमिटेड रहते हैं वो। तो अगर बोल दिया गया है तमाम कुदरती अदात का सेट, तो उसके अंदर मतलब इसका आंसर लिखने के लिए जितनी भी हमारी काउंटिंग है वो तमाम की तमाम कुदरती अदाद है, तो उसको बयान कर दिया गया है ना एक छोटी सी लाइन में कि तमाम कुदरती अदाद का सेट। तो आपकी जितनी भी काउंटिंग है उसको क्या कर दिया गया है, बयान कर दिया गया है। तो इस अंदाज को क्या कहेंगे हम, बयानिया तरीका। क्लियर है? ऐसे ही आप देख सकते हैं कि आप जो चिड़ियाघर के तमाम जानवर हैं उनका नाम लिखने बैठेंगे तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन देखें सिंपल सा उन्होंने एक छोटी सी लाइन में बयान कर दिया है कि चिड़ियाघर के तमाम जानवरों का सेट। तो आपने तारीफ में पढ़ा है ना खासियत के मुताबिक, ठीक है। तो इसी इन्हीं जो बयान कर दिया गया है वो बयानिया तरीका है, ठीक है, जिनको अल्फाज में लिखा जाता है। आप इस एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं कि सेट ए लिखा हुआ है, ए ई आई ओ यू। तो अगर देखा जाए तो ये तो वोवल्स हैं ना, और इस सेट में इसकी अशिया लिख दी गई हैं, इसके एलिमेंट्स लिख दिए गए हैं। एलिमेंट्स क्या हैं, ए ई आई ओ यू। लेकिन इसको बयानिया तरीके में लिखने के लिए हम इसका क्या लिखेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स का सेट। तो ये क्या तरीका है, बयानिया तरीका, ठीक है, जिसको बयान कर दिया गया है, जिसको अल्फाज में बता दिया गया है कि इस सेट के अंदर जो अशियाँ हैं उनको ये नाम दिया जा सकता है। तो ये कौन सा तरीका है, बयानिया तरीका। क्लियर है क्लास? चलें जी, ये एक और एग्जांपल है। सेट सी में लिखा गया है कि 2001, 2002, 2003 एंड 2000 मतलब यहाँ 2100 तक आ गया, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये सेट जो है वो बयानिया अंदाज में है या किसी और अंदाज में है ना, ये बयानिया में नहीं है, ये एग्जांपल दे दी गई है, लेकिन इसको बयानिया तरीके में कैसे बता दिया जाएगा जी, 21वीं सदी के सालों का सेट। क्लियर है? इसको ये बयान कर दिया गया है ना, आपको किसी सेट में अगर कोई एलिमेंट दे दिए जाते हैं, कोई रुकन दे दिए जाते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि उसको बयान करना है, तो आप 21वीं सदी के सालों का सेट कह सकते हैं उसको, ठीक है। आपका 2001, 2002 एंड 2003 ये सब क्या थे, ये एलिमेंट थे, ठीक है। लेकिन इसको बयानिया तरीके में लिखने के लिए हमने क्या कर दिया है, 21वीं सदी के सालों का सेट। क्लियर है क्लास जी? एक और एग्जांपल है आपके सामने, सेट बी है तमाम खेलों का सेट। अब ये बयानिया तरीका है, ये ऑलरेडी आप लोगों को क्या दे दिया गया है, उन्होंने बयानिया तरीका बता दिया है। अगर इसी की जगह पे लिखा होता बैट बॉल, ठीक है, फुटबॉल, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे अशिया जो है एक सेट में दी जाती, तो आप उसको क्या लिखते,
तमाम खेलों का सेट। ये देखें, अगर उन अशिया को हम लिखें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ठीक है, तो जो पहले बोला कि फुटबॉल, बैट, बॉल, तो वो एक एक गेम की अशिया जाती है ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये गेम है, पूरा एक नाम है ना, तो इन इन सब का जो सेट है क्या बन जाता? जी बिल्कुल, तमाम खेलों का सेट। क्लियर है क्लास? तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। 1.2 का क्वेश्चन नंबर वन। जी, क्वेश्चन नंबर वन का जो सबसे पहला सेट है, सेट ए, उसमें लिखा गया है 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यानी कंप्लीट सेट है, ठीक है। तो 6 तक दिया गया है, तो आप क्या कह सकते हैं इसको बयानिया तरीके में? 7 से कम कुदरती अदात का सेट, ठीक है, क्योंकि आपको 6 तक दिए गए हैं कुदरती अदात, तो आप क्या कह सकते हैं? 7 से कम कुदरती अदात का सेट। इसी तरीके से मैंने एक और सेट को जो है वो शो किया है, लिखा है बैंगन, गाजर, भिंडी, आलू। तो यहाँ पे कितनी सब्जियाँ दी गई हैं? 4, ठीक है। तो आप लिखेंगे 4 सब्जियों का सेट, बैंगन, गाजर, भिंडी, आलू, 4 सब्जियाँ दी गई हैं, तो आप इसको बयानिया तरीके में लिखेंगे 4 सब्जियों का सेट। क्लियर है क्लास? एक और सेट को मैंने जो है वो शो किया हुआ है, लिखा हुआ है सेट एन, 1, 2, 3, और डॉट्स लगा के सेट को बन गए। डॉट्स का मतलब मैंने आपको समझाया था ना कि अनलिमिटेड, यानी मत गैर मतनाही, जो चलता ही चला जाए। क्लियर है क्लास? तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? जी, कुदरती अदात का सेट। बिल्कुल, आप लोगों ने सिर्फ इसको कुदरती अदात का सेट देना है, क्योंकि ना तो ये किसी से कम है, ना किसी से ज़्यादा लिखा हुआ है, मतलब स्टॉप नहीं किया गया ना, तो हमें नहीं पता कि किससे कम अदात बताए गए हैं, इन्होंने अनलिमिटेड दिया है, तो आप लोगों ने जो है वो लिखना है तमाम कुदरती अदात का सेट या कुदरती अदात का सेट। क्लियर है क्लास? तो यही आपकी असाइनमेंट है आज की भी, कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट करना है, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।